करते हैं छह नंबर पे, और किसी का भी नहीं आ रहा, छह नंबर पे कनेक्ट करते हैं। आप लोगों की अपनी डेट ऑफ बर्थ और इकट्ठी करके रखेंगे, छह नंबर जिन जिनकी डेट ऑफ बर्थ है इकट्ठी करके रखेंगे और निकालेंगे। राइट, छह नंबर वाले कैसे होते हैं? छह नंबर वाले अदाकार होते हैं, छह नंबर वाले ब्यूटीफुल स्मार्ट पीपल होते हैं। दे आर द पर्सनैलिटी ऑफ आर्टिस्टिक नेचर, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंसेस, उनकी जो फाइव सेंसेस है बहुत स्ट्रांग होती है। छह नंबर वाले लोग आसानी से डिफरेंशिएट कर पाते हैं डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के अंदर, और दूसरा वो लोग बहुत जल्दी समझ पाते हैं सामने वाले लोगों की प्रतिक्रिया को, तो बहुत जल्दी भाप लेते हैं छह नंबर वाले लोग। छह नंबर वाले लोगों के साथ जो पर्सनैलिटी होती है उनकी, वो एक एलिगेंट पर्सनैलिटी होती है, एक प्लीजिंग सेंसिबल पर्सनैलिटी होती है छह नंबर वाले। छह नंबर वाले लोग जब बोलते हैं, जब बात करते हैं, तो एक अदा होती है, एक गुरूर की फीलिंग आती है, गुरूर होता है उनमें के अंदर, एक चार्म, जैसे काइंड ऑफ एन अफेक्शन फीलिंग आती है। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर वेरी बोल्ड, ये लोग डरपोक और दब्बू नहीं होते। एंड एक सेंटेंस बोल सकता है, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, दे आर वेरी, दे आर बोल्ड एंड दे आर ब्यूटीफुल। छह नंबर वाले लोग आमतौर पर जब आप देखेंगे इनको, तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं और एक बैलेंस अप हो सकते हैं। ये लोग केयरिंग होते हैं, लवेबल होते हैं, ये कंधे से कंधा मिलाते हैं, दूसरे के बर्डन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। दे कैपेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, दे आर सिंपैथेटिक। छह नंबर वाले लोग अपोजिट जेंडर में बहुत ज्यादा लोकप्रिय होते हैं, उनके अंदर अगर ये झूठ भी बोलते ना, तो इनके इनके झूठ को भी लोग हंस के ले जाते हैं, विरोध नहीं करते, क्योंकि इनकी ब्यूटी जो है इनके झूठ को छुपा जाती है। ये लोग काम करते करते कई काम ऐसे करते हैं कि काम के अंदर ना एक आकर्षण पैदा हो जाता है, लेकिन ये लोग उनके अंदर में एक ज्वेलस की भावना बहुत होती है, ये लोग बहुत जल्दी ही ज्वेलस भी हो जाते हैं, लोगों से में एक ईर्ष्या की भावना बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। आमतौर पर ये लोग शांति प्रिय होते हैं, समझदार होते हैं, दिलचस्प इंसान होते हैं, ये लोग दोस्ती बड़े ही थोक विचार के करते, किसी से फालतू की दोस्ती नहीं करते, और आमतौर पर ये लोग दोस्त उसी को बनाते हैं जिससे उनको काम होता है, फालतू लोगों को ये लोग अपने गले में लगाते हैं, मतलब के दोस्त होते हैं। वेल सिंग दिस इट डजंट मीन कि दे आर नॉट स्पोर्टिंग, दे आर स्पोर्टिंग ऑल्सो। ये पांच नंबर की खुदी, छह नंबर की सॉरी खुदी है। पांच नंबर वाले लोग थोड़े से मेटलिस्टिक लोग होते हैं, थोड़े से थोड़ा ज्यादा डिजायर की तरफ जाते हैं, थोड़े ज्यादा लोहाबरी चीजों की तरफ इनका आकर्षण होता है, श्रृंगार वाटिका ठीक, और जितने भी फैशनेबल चीजें हैं, बढ़िया लग्जरी आइटम्स, सजने संवरने का शौक, लाइक ब्रांडेड चीजें, ब्रांडेड उत्पादन, ब्रांड क्वालिटी, सुपीरियर खर्चा, जब तक पैसे ना खर्चे तब तक इनको मजा नहीं आता, खर्चा।
एमए वाले पैसे बचा लेते हैं, 6 वाले वाले पैसे खर्च करते हैं, इन्हें मजा ही जब आता है जब थोड़े पैसे जेब से हल्के हो जाते हैं। 6 वाले लोग संगीत प्रिय होते हैं, 6 वाले लोग लोगों को मनोरंजन बहुत पसंद होता है। दखल अंदाजी अपने कार्य में उसी को करने देते हैं जिसको ये अपने से मतलब जिससे ये काम लेना या निकालना या कनेक्ट करना चाहते हैं उसी को दखल अंदाजी करने देते हैं, नहीं तो ये लोग दखल अंदाजी नहीं करने देते। दे आर वेरी मतलब कंफर्टेबली ये लोग बोल देते हैं प्लीज माइंड योर बिजनेस, दे नो हाउ टू से प्लीज माइंड योर बिजनेस एंड दे से वेरी कंफर्टेबली दिस पीपल। 6 नंबर वाले लोग अपनी इंटेलिजेंस और इमोशन दोनों का बैलेंस मिश्रण बना के चलते हैं, नीदर दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल नीदर नॉर दे आर वेरी इमोशनल बट दे डू अ बैलेंस अप्रोच और अपने अपनी अदा को और अपनी ब्यूटी स्मार्टनेस को आगे रखते हुए काम को निकालने में सक्षम होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। छह नंबर वाले लोग जो मेल होते हैं ये ग्रेसफुल होते हैं, अपोजिट जेंडर इनकी तरफ अट्रैक्टिव रहता है एंड दे गेट इंक्लाइंड एंड फैसिनेट विद अपोजिट जेंडर वेरी इजी। ये लोग जो मेल की बात कर रहे हैं दे आर फाइंडिंग एट टाइम्स वेरी टफ इन शोल्डरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर फैमिलीज, क्योंकि इनको ना इनको ऐशो आराम पसंद है, ये लोग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में थोड़े से डिफिकल्ट महसूस करते हैं, इन्हें ऐशो आराम पसंद है। और जो नंबर 6 पे फीमेल्स होती हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग हाउसवाइफ, डोमेस्टिक लाइफ इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हाउएवर दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी क्लोथ्स सजना सवारना ब्यूटी शाइनिंग दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ इट, बड़ा मजा आता है। बट ये लोग अपनी फैमिली को नर्चर बड़े मन से प्यार से करते हैं और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े मन से प्यार से उठाते हैं, इनके टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, इनके इनको हल्की चीजें समझ में नहीं आती, इन्हें हल्की चीजों से इन्हें मतलब बाजार में शॉपिंग के लिए जाओ तो इनका हाथ ही नहीं पड़ेगा जब ब्यूटी होगी और इनको हल्की चीज समझ में नहीं आएगी, वो बाई डिफॉल्ट सबसे चीज होगी ना वो कॉस्टलीस्ट चीजों में से एक चीज होगी, बाई डिफॉल्ट हल्की चीजों पर ये लोग अपना हाथ जल्द से डालेंगे। ऐसे लोग सेलिब्रिटी होते हैं, ये सेलिब्रिटी का एक फैक्टर है, मतलब शुक्र जो है सेलिब्रिटी दुनिया है, ऐसे लोग फैशन डिजाइनिंग सेलिब्रिटी मैनेजर पोजीशन अच्छा प्रयास करते हैं और अच्छा काम करते हैं। They love to be live luxurious and comfortable life, prefer to wear branded clothes, prefer to wear a smart good accessories and quality workmanship के ऊपर ये लोग काम करते हैं, quality work। इनका घर भी देखोगे ना सजा हुआ मिलेगा आपको, हर समय सजा हुआ मिलेगा इनका घर, हर चीज अपनी जगह पे तरीके से रखी हुई पाई जाएगी।
वेरी फाउंड ऑफ ब्यूटी, अनऑर्गेनाइज इनडिसिप्लिन को भाता नहीं, पर चतुर होते ही लोग, चतुरता में माहिर होते ही लोग। ये लोग ऐसे होते हैं जब दोस्ती कर लेते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन जरूरत पे ये साइड भी हो जाते हैं, छोड़ देते हैं हाथ, अपने को हमेशा ध्यान में रखते हैं और अपने जब जरूरत पड़ती है तो बोलते हैं, अपना अपना मतलब निकल गया ना एक बार तो नमस्ते बोल। छह नंबर वाले लोग संसारी चीजों को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं भली भांति जानते हैं, संसारिक वस्तुओं का आनंद कैसे लेना है ये लोग भली भांति जानते हैं। छह नंबर वाले लोग, छह नंबर पे तीन नंबर आते हैं, छह नंबर पे तीन नंबर आते हैं, कौन से तीन आते हैं, 6, 15 और 24। तो डिफरेंस क्या है, 6 वाले लोग जो होंगे वो लग्जरी लव चीयरफुल हार्ट वाले लोग होंगे, एंथुसियास्टिक होंगे, एक कंपैशनेट होंगे, दे लव पीपल, दे केयरिंग अबाउट पीपल। और जो 15 नंबर वाले लोग होंगे उनकी जो पर्सनैलिटी, उनका जो ऑरा होगा ना वो बहुत मैग्नेटिक होगा, क्योंकि 5 का ऑरा मैग्नेटिक था, 6 ब्यूटी आया, 1 लीडर आया, उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है 15 नंबर वाले का, मतलब एक पावर होती है ना खींचने की, क्राउड पुलिंग पावर होती है ना 15 नंबर वाले में, क्राउड पुलिंग पावर अपनी पर्सनैलिटी से और किसी चीज से नहीं, सिर्फ पर्सनैलिटी। पंद्रह नंबर वाले लोग जो होते हैं ये लिव हैप्पीली, इनकी स्टेबल मैरिड लाइफ होती है, बढ़िया जीवन जीते हैं और एक स्माइलिंग एटीट्यूड इनका होता है, लव शेयरिंग, फ्रेंडली फ्रेंड्स इनका एक होती होता है। 24 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, 6 नंबर के अंदर ही होता है, लेकिन 24 नंबर वाले लोग जो है अपने आप को फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रांग बना लेते हैं, क्योंकि इनमें 2 नंबर की ममता, 4 नंबर की बुद्धि और 6 नंबर का एटीट्यूड आता है, आधा आती है। ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये लोग डिवोटेड होते हैं अपनी फैमिली के प्रति, ये लोग अपने जीवन को पूरी तरह बैलेंस करके एंजॉय करते हैं, रिच टेस्ट होते हैं इनके, सक्सेसफुल होते हैं, फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग होते हैं 24 वाले। तो ये माइन्यूट डिफरेंस जो 6, 15, 24 जब बात करेंगे तो हमेशा 2 और 4 को लेके मिलाएंगे, 15 की बात करेंगे तो 1 और 5 को लेके बनाएंगे और उसमें 6 को ऐड करेंगे। जब भी नंबर की बात करेंगे हम 6 नंबर की, जब इकले की बात करेंगे तो 6 नंबर के टेस्ट जो शुरू में रहता है वो होंगे, जब 15 की बात करेंगे तो 1 और 5 को भी लेंगे तो 6 बनाएंगे, और जब 24 नंबर की बात करेंगे तो 2 और 4 को लेंगे तो 6। ये ऐसे 6 बनेंगे और इसी तरीके से पूरी पूरी कॉम्बिनेशन थ्योरी चलेगी।